दीपनारायण यादव की गिरफ्तारी के मामले में जहां झांसी जिले में समर्थक शांत हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में सपा के दिग्गज नेता के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते रोज भी सपा समर्थकों ने टीकमगढ़ के डायमंड पैलेस में दीपनारायण सिंह यादव की रिहाई की मांग करते हुए नारेबाजी की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि कार्यक्रम कल आयोजित हुआ था, जहाँ सपा समर्थकों के द्वारा पहले मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बाद में सभी समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां टीकमगढ़ में पूर्व करौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव के समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्व करौठा विधायक को षड्यंत्र के तहत फंसा कर जेल भेज दिया गया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच करते हुए उन्होंने अपने नेता की रिहाई की मांग की है। आपको बताते चले कि रानीपुर के सजायाफ्ता कैदी लेखराज सिंह की पेशी के दौरान उसे भगाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पूर्व विधायक को आरोपी बताते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में बीते 10 अक्टूबर को सपा मुखिया के आदेश पर एक प्रतिनिधिमंडल भी उनसे जेल में मिलने वाला था, लेकिन ठीक उसी दिन सपा के संस्थापक के निधन के कारण सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए। यही कारण है कि अभी तक पूर्व गरौठा विधायक को कोई राहत नहीं मिल सकी है। टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट।